अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा ने राप्ती नदी के किनारे बने मूर्ति विसर्जन स्थल का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा ने बताया कि दीपावली का पर्व समाप्त हुआ है और माता लक्ष्मी की प्रतिमा का विसर्जन नगर निगम के द्वारा बनाए गए कृत्रिम तालाब में किया जा रहा है, जिसका विसर्जन मंगलवार से ही शुरू हो गया है। अभी तक 240 मूर्तियों का विसर्जन किया जा चुका है। यहाँ पर साफ सफाई की पूरी व्यवस्था है। यहाँ पर इसके लिए एक विशेष टीम भी लगाई गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा ने कहा, जैसा कि आप अवगत हैं कि अभी दीपावली का पर्व खत्म हुआ है और माँ लक्ष्मी की मूर्तियां जो हैं शहर में विभिन्न जगहों पर स्थापित थीं और जिनका विसर्जन कल से ही शुरू हुआ है और हम लोग के द्वारा यहीं राप्ती नदी के किनारे कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं और उनमें ही मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। और विगत रात्रि से अब तक लगभग 240 मूर्तियों का जो है विसर्जन हो चुका है। यहाँ पर साफ़ सफाई की और सुरक्षा की सारी व्यवस्थाएँ ऑलरेडी उपलब्ध हैं और हम लोगों ने यहाँ पे साफ़ सफाई की एक विशेष टीम भी लगाई हुई है जो अनवरत आने वाली मूर्तियों को इस तालाब से निकाल करके सफाई भी कर रही है ताकि आने वाली मूर्तियों का विसर्जन जो है सुगमतापूर्वक हो सके।